हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इस क्लास में हम जानेंगे यूपीपीसीएस द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में, जो कि विशेष और विशेषण चैप्टर से लिए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे, जिससे आपको 8 से 10 प्रश्न मिलने की संभावना बन जाएगी। और इससे आप यह भी आकलन कर सकेंगे कि हमारा कितना स्कोर आया है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य छाँटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। छाँटिए, इसमें क्या सही जवाब होगा? तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से, तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विशेषण और विशेष्य दोनों, जो कि यह प्रश्न यूपी आर ओ एग्जाम में प्री में 2021 और 2017 में पूछा गया था। कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, बताएं इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनिश्चय वाचक। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अनिश्चय वाचक। सौ गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आवर्ती वाचक। दोस्तों, एक क्लास आपने अगर देख ली कंप्लीट, तो आपके विशेष और विशेषण से एक भी प्रश्न बचकर नहीं जाएगा। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है, 10वां शब्द क्या है? तब 10वां शब्द है ऑप्शन बी, क्रमवाचक विशेषण। क्या है? क्रमवाचक विशेषण। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना शब्द से बना विशेषण है। तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खिलाड़ी। इसके अन्य विशेषण, विशेष विशेषण, दया का दयालु, कृपा का कृपालु, धर्म का धार्मिक। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अचार। कौन सा शब्द नहीं है? अचार। प्रश्न नंबर 8, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें कौन सा शब्द विशेषण की दृष्टि से है? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विधेय विशेषण। क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। एक वाक्य में विशेषण शब्द अशुद्ध है वह है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है, बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुंदरी लड़की।
जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं विशेष्य। निम्नलिखित में विशेष शब्द है, क्या चीज़, निम्नलिखित में विशेष शब्द है, तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मानस क्या है, विशेष शब्द है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है, तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर। भाई आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चार। कितने विशेषण हैं, चार विशेषण हैं। दोस्तों इस क्लास से आपको ज़्यादा नहीं तो आपको 7 से 9 प्रश्न देखने को अवश्य ही मिल जाएंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन एपी पीसीएस एग्ज़ाम में आरओ हो या पीसीएस का आपका एग्ज़ाम हो, जरूर ही पूछे जाते हैं। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए, क्या चीज़, उसका लड़का लंबा विशेषण का चयन कीजिए, तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगर सभी प्रश्नों का अगर विशेषण विशेषण और विशेष को विस्तार से अगर बताएंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अब उसका आंसर ही और प्रश्न का आंसर ही बताने का प्रयास करेंगे। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, क्या चीज़ है हमारा, विशेषण। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है वाक्य में विशेषण है, तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाखों। विशेषण क्या हो जाएगा, लाखों। आठ बड़े चोर पकड़े गए थे पुलिस की लापरवाही से, आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष संबंध नहीं है, तो हमारा प्रश्न इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलिस की लापरवाही। फिर विशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है, कामता प्रसाद गुरु ने किया कहा है, ऑप्शन ए अंत विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, तब तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोधी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्रोधी। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है, बताएं कौन सा तथ्य इसमें गलत है, तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है, क्या है, बी, ऑप्शन बी, आवर्ती वाचक विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है, तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पतला, क्या है, पतला। प्रश्न नंबर 23, वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में बेकारी विशेषण है, तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अच्छी।
निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, बताएं कौन सा एक युग्म गलत है। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ईर्ष्या उपेक्षा। कौन सा गलत है? ईर्ष्या और उपेक्षा। निम्न शब्दों में विशेष है, कौन सा विशेष है? किताब विशेष है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अब इसमें विशेषण पूछा जा रहा है, विशेषण कौन सा है? घरेलू, घरेलू शब्द विशेषण है। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सूर्य। साफ साफ देख रहे हैं सौर, सौर का संबंध किससे होगा? सूर्य से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आग्नेय। क्या हो जाएगा? आग्नेय। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुंदर। भय बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनशिष्ट परिमाण वाचक विशेषण। भय बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है। बहुत शब्द क्या है इनमें से? ऑप्शन बी, प्रमाण बोधक विशेषण। क्या? प्रमाण बोधक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में से भय वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, बताएं किसमें गुणवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। तब इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भय नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। सतीश चंचल चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुणवाचक विशेषण ऑप्शन बी। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो ये हमारा बना है मनस से, ऑप्शन सी। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चरित्र। एक विशेषण शब्द नहीं है, तो हमारा एक विशेषण शब्द नहीं है ऑप्शन सी, लांछन। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेषण है। तो हमारा इसमें विशेषण है हृदय, ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, कौन सा एक विशेषण नहीं है? ऑप्शन सी, गर्भ। इंद्रिय का विशेषण शब्द है,
इंद्रिय का विशेष शब्द क्या है? ऐन्द्रिय, ऑप्शन डी। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा वह विद्यार्थी है। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पुकार तथा भगवान, पुकार तथा भगवान। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी वाक्य में कितने विशेष हैं? तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? ऑप्शन ए, 4। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? वरदान, ऑप्शन ए वरदान। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, कौन सा एक विशेषण शब्द है? महत, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? यह प्रश्न UPRO ARO प्री 2016 एग्जाम में पूछा गया था और जो परीक्षा निरस्त हो गई थी। दोस्तों, यह प्रश्न APPSES ने इस प्रश्न को गलत माना था, इसलिए इस प्रश्न का जवाब बहुरूपिया अर्थात अनेक रूप रखने वाला एक विशेषण है। बहुरूपिया संज्ञा भी है, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में उनका एक नाम बहुरूपिया भी मिलता है। बहुरूपिया कला के महान साधक स्वयं भगवान विष्णु हैं। बातूनी तथा बांका भी विशेषण शब्द है। बादामी एक संज्ञा है जिसका अर्थ है रत्न, पेटी। यदि बादामी को रंग के अर्थ में प्रयुक्त किया जाए तो यह विशेषण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, बताएं निम्न कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चमकीला। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? इसमें कौन सा युग्म अशुद्ध है बता जल्दी से, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए दृष्टि और दृष्टिवंत, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है, बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द है, तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा विशेष से, ऑप्शन बी। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द है। ऑप्शन ए निश्चित प्रमाण बोधक विशेषण, अपूर्णाक बोधक विशेषण, और क्या है हमारा
तुलनात्मक विशेषण और अनिश्चित प्रमाण बोधक विशेषण। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अनिश्चित प्रमाण बोधक विशेषण। धुंधला शब्द में विशेषण है, तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उचित, ऑप्शन ए। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द में विशेषण है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण। सरीका शब्द में विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है, तो इसमें क्या विशेषण है? हजारों, ऑप्शन सी। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तब इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन ए। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है, इतिहास से विशेषण शब्द बनता है, तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऐतिहासिक, ऑप्शन बी। तीसरा शब्द में विशेषण है, तो इसमें कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन डी। चौथाई शब्द में विशेषण है, तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपूर्णांक बोधक विशेषण, ऑप्शन डी। दोस्तों, इस क्लास में 60 प्रश्नों को कराया जा चुका है और आपको 60 प्रश्न नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्ट 2 में। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने।